सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो रोशनी बैग पैकिंग कर ली है और वो कहीं जाने का सोच रही है। कहाँ जाने का सोच रहा है? तो अभी कैसे जा सकते हो? पानी को हमको ना ढाल दे, देख सकते हो अपने आप ढाल रहा पानी को, हमको भी भिंगा रहा है बदमाश। हमको खुद भी भिंग रहा हमको। बेटा ऐसे काय कर रहा है बेटा, उसे नहीं करना चाहिए। अभी देख सकते हो अपने से पानी ढाल लिया क्या? नहीं, इतना बदमाशी देख सकते हो, मजा आ गई। सो हेलो ऑल गाइस, मैं राजू। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आज को काफ़ी दिनों के बाद हमारे चैनल पे ब्लॉग्स आ रहा है। काफ़ी दिनों के बाद बोलते 10 दिन के बाद पूरा आज चैनल पे ब्लॉग्स आ रहा है। सो आप लोग आज का ब्लॉग्स देखिएगा और बहुत सा बात भी करना आप लोगों से। तो आप लोग अभी बने रहिए, मैं अभी आप लोग को बैक से दिखा रहा हूँ ऋत्विक अभी क्या कर रहा। ऋत्विक का पैर में चोट भी लगा है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सो अभी आप लोग देख सकते हो ऋत्विक को यहाँ पे, ये अभी सो के उठा है और ये अभी काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो गया है। अभी पैर में चोट लगा है, रोशनी का कान वाला जो है वो उसका पैर में गड़ गया था तो ये चल भी नहीं पा रहा था। रात को पूरा रात रो रहा था, अभी सुबह ठीक है। तो ऋत्विक अभी बहुत बदमाश हो गया है और इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट हम लोग ओपन कर दिए हैं जिसमें एक ही दिन में, एक दिन का भी 24 घंटा कम्प्लीट नहीं हुआ है और उसमें अभी 800 कुछ फॉलोअर्स हो गया है। सो आप लोग भी ऋत्विक का अगर चैनल को फॉलो करना चाहते हो तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके ऋत्विक का चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। बोल दे बेटा, हाय कर दे, हाय कर दे, टाटा कर दे, टाटा। देख सकते हो हाय कर रहा, टाटा बोला तो हाय उसी तरह करता है। और रोशनी अभी देख सकते हो सुबह का ब्रेकफास्ट में वो क्या कर रही है, चाय है, बिस्किट है और रोटी है ना, पराठा। तो अभी रोशनी को भी खा लेने देते हैं और मम्मी से आप लोग को मिलाते हैं बहुत दिन के बाद। तो अभी मम्मी क्या कर रही है आप लोग देख सकते हो, चाय का कप सब धो रही है। और अभी हम लोग का घर में जो है न्यू मेहमान आने वाला है बहुत जल्द। क्या और 5-6 दिन के अंदर आप लोग को ड्रीम हाउस में न्यू मेहमान और देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी हम लोग का घर में काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा अब से, क्योंकि और ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग बहुत दिन इंतज़ार भी किए हो। और मम्मी से पूछ रहे हैं, मम्मी दीदी मैं मामा कब बनूंगा और कितना टाइम है? 5-6 दिन। तो मम्मी भी आप लोग को देख सकते हो गाइस आज बोल दी 5-6 दिन के बाद राजू रोशनी मामा मम्मी बनेंगे और ऋत्विक भैया बन जाएगा। अरे भैया बनेगा तुम? हाँ बेटा चो बाड़ी दिख, चो आए आए। देख सकते हो ऋत्विक को मैं एक काम दूंगा अभी, वो कैसे मतलब काम करेगा। बेटा जा निजर पैंटो नहीं आया ना, पैंटो जा, पैंटो नहीं है सो पैंटो। देख सकते हो अपना पैंट अपने से लाएगा जा रहा, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कैसे पैंट अपना लाता है। हाँ अभी ऋत्विक जा रहा है अपना पैंट निकालने, उसको पता है कहाँ पे रहता है। सो अभी ये बस्का को खोलेगा, देखिएगा ना ना, बार करो पैंटो, पैंट को है पैंट, बार करो बार करो। वो पैंट को निकालेगा दोस्तों। और अभी मैं फ्लैश ऑन करके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग का इफेक्ट आता है और हमारा 2 प्ले बटन जो अभी बिल्कुल जैसे का तैसा ही पड़ा है क्योंकि अभी ब्लॉग्स भी उतना हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि आप लोग मतलब बोलते हो ब्लॉग्स अब उतना अच्छा नहीं आता आप लोग का। तो क्या कर सकते हैं, जैसा होगा वैसा ही बनाएंगे जब भी होगा तब भी। और बहुत कोई हम लोग को कॉमेंट्स भी करते थे, क्या रोशनी कहाँ गई, बहुत कोई कॉमेंट्स करते थे हम लोग को, क्या आप लोग खाली पैसे के लिए क्या क्या ब्लॉग्स डालते हो, पैसे के लिए क्या करते हो? तो हम लोग अभी ब्लॉग्स ही डालना छोड़ दिए हैं। सो पैसा के लिए, पैसा के लिए हम लोग नहीं करते, अपना मस्ती के लिए ब्लॉग्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है जो पैसा के लिए हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं। और बहुत कोई ब्लॉग्स हम लोग कुछ भी नहीं करते, ना खाना पीना, ना मतलब कुछ भी घर का सामान लाना, कुछ भी नहीं। ब्लॉग हम लोगों का बस पार्ट टाइम जॉब है। और जॉब क्या है, आप लोगों के साथ बात करने में, ब्लॉग्स करने में अच्छा लगता है। सो रोशनी आप लोग को बता दी दोस्तों, तो आप लोग अगर पसंद आता ब्लॉग्स हमारा तो देखिए और नहीं पसंद आता तो स्किप कीजिए और कुछ बोल नहीं सकते हैं वैसे। और ऋत्विक को भी पैंट लाने बोले, वो कहाँ लाया बेटा ऋत्विक,
पैंट कहाँ है? पैंट पैंट आनो, पैंटो पैंटो नहीं है से जाओ, वो भूल गया जाओ। जामाटा जामाटा पूर भी नहीं ढूंढ ली, जामा ली है तू पोटी करे छो इधर ना ना पोटी करे छो तुम्हें की हो लो कैसे ना ना जाओ कॉल्डर कैसे जाओ तो बाले दिखे जाओ बाले दिखे देख सकते हो चलने सीख गया ना बहुत माहिर हो गया। और ऋत्विक का भी एक ब्लॉग चैनल खोलने वाले हैं बहुत जल्द, आप लोग को लिंक मिलेगा उसमें, सिर्फ ऋत्विक का स्पेशल ब्लॉग बेबी ब्लॉग्स आएगा, वो क्या क्या चीज लेके खेलता है और वो क्या करता है क्या खाता है वो सब चीज ऋत्विक के बारे में दिखाएंगे। आज को नहीं जाएंगे, जाएंगे बट बाइक मतलब दोनों बाइक खराब है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ऋत्विक मेरे ऊपर चढ़ने खोज रहा है, उसको पहले गोदी में ले लेता हूँ। आ जा बेटा आ जा आ जा मुन्ना। तो ऋत्विक मेरा गोदी पे आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो पुराना बाइक था वो अभी नहीं है, तो उसको मैं शोरूम पे दे के आया क्योंकि वो बाइक मतलब थोड़ा टूट गया था, तो उसको मैं ठीक करा लूँगा। उसके बाद फिर ये बाइक जो है लाल वाला जो बड़ा गाड़ी है स्पोर्ट बाइक, उसको शोरूम में दे के आएंगे इसको जब आ जाएगा, ये ब्लू वाला बाइक जब आ जाएगा उसके बाद। और ये सामान सब जो आप लोग देखे दोस्तों ये सामान सब सब सरिया के रख रहा है अच्छा से, मतलब सब जगह पे रख के। ऋत्विक पोटी किया है, रोशनी बोल रही लग जाएगा, मेरा गोदी में चढ़ के था बच्चा। चलो बेटा चलो बाड़ी चलो बेटा चलो बाड़ी चलो 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 जाओ फ्रेश हो जाओ साफ सुथरा हो के आओ। सो दोस्तों अभी के लिए आप लोग बने रहिए, रोशनी को आ जाने देते फिर बात करेंगे हम लोग। तो चलिए तो अभी हम लोग पीछे साइड पे आगे देख सकते हो ऋत्विक चापा ये पानी को पी रहा है, इसको जिसमें पॉटी धोएगा वही पानी को ये पी रहा है, कितना बदमाश बच्चा है। और ये गाइस ये जो नल देख रहे हो दोस्तों ये नल यहाँ पे ये 3 से 4 बार डेली नहा लेता है आके अपने से, एक जरा इसको नहीं देखेंगे तो ये नहा लेगा फटाफट से यहीं पर आके। और देख सकते हो इसका मस्ती अभी क्या कर रहा है तुम क्या कर रहा, देखिएगा अपने नल खोलेगा, हाँ नहाने सीख गया है ना। देखिए दोस्तों इसका कुरपाती देखिए खोल दिया, अब इसमें पानी भरेगा और अपना माथा टो में धार लेगा, इसको पानी से बहुत ज्यादा प्यार है। ए बेटा बेटा बाबा की बोलती सुन बेटा हमारे सोना बेटा देख सकते हो भींग लिया अभी से एक बार, इसका हो गया नहाया हुआ, अभी और नहाएगा ये। तो चलिए दोस्तों आप लोग को मैं अभी बैक कैमरा से हम लोग का मतलब घर का पीछे का एक बार नज़ारा दिखा देते हैं, बहुत दिनों के बाद क्या पेड़ पौधा बड़ा है या नहीं आप ही लोग समझ पाओगे आगे का ब्लॉग्स जो देखे हो। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं, ऋत्विक को गुस्सा आ रहा है ये ऑफ हो गया कॉल, तो चलिए अभी आप लोग को वो मैं दिखा देता हूँ उसके बाद फिर बात करेंगे आप लोगों के साथ, तब तक ऋत्विक भी ए बेटा तुम रेडी हो जाओ फटाफट से, पानी को हमको ना ढाल दे, देख सकते अपने आप ढाल रहा पानी को, हमको भी भींगा रहा है बदमाश, हमको खुद भी भींग रहा हमको। ए बेटा ऐसे काय कर रहा है बेटा, उसे नहीं करना चाहिए, देखो इसका बदमाशी, अभी देख सकते हो अपने से पानी ढाल लिया क्या नहीं, इतना बदमाशी देख सकते हो, मजा आ गया बदमाश तो, फिर वो पानी ढालेगा एक जरा आप लोग देख ही लीजिए उसका मस्ती तो दोस्तों, हाँ फिर से ढालेगा, हमको डर लगा मेरे ऊपर, मैं सोचा डाल रहा है क्या, कितना बदमाश हमको पानी से भिगाने खोज रहा है ऋत्विका, ऐसे काय कर रहा है बेटो, कितना अच्छा उसको लग रहा है मेरे साथ मजाक करने को, कितना अचरा रे कितना अचरा बन्ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए हमको नहीं तो भिंगा देगा, अभी उनको भी नहाना पड़ जाएगा फिर से सुबह सुबह, भाग जाते हैं यहाँ से दोस्तों अभी ये फिर मेरे पास आएगा देखिएगा, अपने आप भींग रहा नहा रहा है, सर्दी हो जाएगा बेटा। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए, अभी दोस्तों अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ जो करेली का मैं लत लगाया था वो अभी कितना ज़्यादा हो गया, अब करेली होने वाला है देख सकते हो, पूरा इसमें मचान में चढ़ गया है करेली, आप लोग देख सकते हो करेली खाएंगे हम लोग, मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भिंडी का जो पौधा है वो सब भी ये सब थोड़ा बड़ा है, इससे इस सब लेट से लगाया इसीलिए, और जो है वो मैं दिखा रहा हूँ ये बड़ा वाला भिंडी जो आगे लगाए थे मैं लगाया था ये सब, और ये सब अब बड़ा हो रहा है, ये सब मैं भिंडी होगा घर में ही भिंडी खाएंगे। और अभी तो टमाटर का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया आप लोग सुने होंगे, तो देख सकते हो हम लोग पूरा टमाटर का पेड़ लगा दिए यहाँ पे, 40 पीस टमाटर का यहाँ पे पेड़ लगा रहे, ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हो ये चंदन का पेड़ है, लाल चंदन पुष्पा वाला बाप रे बाप छींक दिया मैं, छींक आ रहा कोई याद कर रहा शायद। और ये हाइब्रिड पपीता का पौधा है जो कि बहुत ज़्यादा होगा, ये भी मैं मार्केट से लाया था खरीद के, तीन तीन लगाया हूँ देख सकते हो,
और यहाँ पे अमरूद का जो है पौधा वो बढ़ रहा है बहुत जल्दी जल्दी और इसमें फूल भी हो रहा है, बट मैं ये अभी इतना छोटा है इसीलिए तोड़ दे रहा हूँ फूल सब, ताकि पेड़ को अच्छा से ग्रो हो जाने देते हैं, उसके बाद तो फिर फल खाएंगे ही खाएंगे। और ये जो बाप रे बाप कौन याद कर रहा नहीं पता कौन याद कर रहा है, इतना छींक आ रहा है। सो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये फ्लावर का पौधा है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर होगा, ये परमानेंटली रहेगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, चारों ओर एकदम येलो येलो फूल दिखेगा। और यहाँ पे जो नींबू का पौधा वो देख सकते हो गाइस, इसमें तो नींबू अब पकने वाला है, एक नींबू अब पक जाएगा देख सकते हो यहाँ पे है, तो तीन नींबू इसमें टोटल फरा है, एक दो और एक आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ तीन नींबू है इसमें। तो ये नींबू का पेड़ भी लग गया है और इसमें एक डाल गिर गया था, ये रात को बारिश हुआ था तो इसके ऊपर तो एक डाल इसका टूट गया, इसलिए खराब लगा, मम्मी हटा दी, मम्मी बोली इतना मेहनत से लगाया है और अच्छा से होना भी चाहिए। और यहाँ पे जो गुलाब का पौधा था उसमें अब फूल आ गया है देख सकते हो, इसमें लग गया, मतलब फाइनली सभी पौधा लग गया जो लगाए थे, खाली नारियल को छोड़ के, नारियल वाला मर गया दोस्तों। यहाँ लीची का पौधा है वो भी बढ़ गया है, यहाँ पे फूल का जवा फूल का पेड़ है देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है इस साइड पे। तो हम लोग पूरा बाड़ी को साफ करवा दिए, यहाँ पे ईंटा वगैरह था वो सब भी हटवा दिए ताकि हम लोग पेड़ पौधा अच्छा तरीके से लगा सकें। तो अभी सभी पेड़ पौधा लगा दिए हैं और ये सब दुकान का ये सब सामान है, ये सब को भेजना होगा क्योंकि बरसात आ रहा है, सब में सांप घुस के रहेगा और सांप तो हम लोग का घर का पीछे काफ़ी रहता था, इसीलिए साफ करा दिए हैं। तो ये जगह जो है ये जगह को भी साफ कराना होगा, बहुत जल्द करा देंगे दोस्तों, और नहीं तो बहुत एक से एक जहरीला सांप आता है हमारे घर पे। और यहाँ पे देख सकते हो अनारस जो है होता है वो हम लोग लगाए हैं, यहाँ पे पाइनएप्पल का पेड़ ये सब भी लग जाएगा दोस्तों, एक बार घर में भी हुआ था पाइनएप्पल, देखते हैं इस बार होगा क्या नहीं। सो अभी के लिए आप लोग दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों अभी फाइनली ऋत्विक रेडी हो रहा है, आप लोग देख सकते हो वो उसका मस्ती हो चुका है और अभी वो कपड़ा पहन लिया है, अब वो जो चप्पल पहनेगा देखिए चीट वाला चप्पल, इसको बहुत अच्छा लगता है चप्पल पहन के चलने में। तो ऋत्विक अभी इस चप्पल को पहनेगा और उसके बाद रोशनी उसको टीका वगैरह लगा देगी अभी फटाफट से। तो टीका का देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। ऋत्विक इधर देखो, हाय कर दो, एक तो फ्लाइंग किस दिन दो, बाबू फ्लाइंग किस दिन दो, दिन दो है ना कि मामा दो, तो फ्लाइंग किस दिन दो और अपना आगे दिन दो मामा दो। देखिए गुस्सा देखिए इसका, बहुत गुस्सा बढ़ गया, उसका आगे सुनना होगा तब जाके वो चुप रहेगा, नहीं तो वो चुपचाप नहीं रहेगा। सो अभी देख सकते हो ड्रीम हाउस का हालत जैसे का वैसे ही है, कुछ चेंजिंग नहीं आया है, चेंजिंग आएगा अब धीरे धीरे, एक सोफा लेंगे सोचे हैं, यहाँ पे बेड को हटा के एक सोफा ऐड करेंगे तब जगह का सो लगेगा। हाँ ये बेड में अभी तत्काल रहेगा, अभी तो जल्दी में नहीं हटाएंगे, अभी पैसा भी बाकी है मार्केट में एक दो जगह, वो सबको दे देना है। सो आज को उठाएंगे पैसा और सोच रहे हैं दे देंगे, एक एक करके सबको दे देंगे। सो चलिए अभी आप लोग दोस्तों अभी मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ और बात करना हम लोग को। फ्लाइंग किस दे दिया আমাদের বাবু সোনাটা কই বাবা কই বাবা রাজু কই বাবা কই বাবা বাবা কই বাবা বাবা পাপা কই পাপা পাপা কোন তো ও আমি দেখ सकते हो वीडियो में भटक गया है। जाइए इसको दुकान में रख के आइए, फिर हम लोग फ्रंट पे आके इस ब्लॉग को इन करेंगे और बात करना है थोड़ा। मैं चीज ही नहीं किया है, सरलेक्स ही नहीं खाया है ना, धो के रेडी हो गया, सरले की नहीं खाया है बच्चा, अभी फिर से गंदा होगा, फिर से नहाएगा। अपने आप को पापा बोल रहा है देख सकते हो बदमाश को, अभी इतना मस्ती किया, अब ये दुकान जाएगा, हम लोग को थोड़ा बात करना आप लोगों के बीच में, तो इसको दुकान में रख के आइए ना। टाटा टाटा को देख सकते हो जान रहा बाहर घूम रहा है, उसको पहुंचा देना होगा, नहीं जाएगा ऐसे बेटा, आ जाए आ आए, जान रहा है उसको लेके जाएगी रोशनी ही। तो अभी न्यू बेबी आएगा गाइस, तो न्यू बेबी आप लोग सोच रहे हो कहाँ पे रहेगा, कौन रूम पे, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो पापा जी वाला रूम पे, जो भी बेबी न्यू होता हम लोग का वहीं पे होता है, ऋत्विक भी वहीं पे रहा था तो वहीं पे रहेंगे। तो आप लोग को न्यू बेबी दिखाएंगे दोस्तों बहुत जल्द।
सो आप लोग सभी को प्रे कीजिए न्यू बेबी के लिए भी, ताकि अच्छा से हो जाए सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, रोशनी को अभी बोल रहे हैं जाने, जाइए इसको रख कर, ठीक है मैं ही छोड़ के आ रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो रोशनी बैग पैकिंग कर ली है और वो कहीं जाने का सोच रही है। कहाँ जाने का सोच रहे हैं? तो अभी कैसे जा सकते हो? अभी हमसे झगड़ा करके थोड़े जा सकते हो। ये गाइस हुआ था हम लोगों के बीच में। सो दोस्तों, ये जो चीज आप लोग अभी देख रहे हो ब्लॉग्स पे, ये चीज रियल में हुआ था, बट उस टाइम पे हम लोग का झगड़ा इतना हो रहा था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। करेगा भी तो करेगा कौन, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो इसी वजह से नहीं हुआ था। तो यही चीज हो रहा था, तो हम लोग का बहुत तरह का झगड़ा हुआ, बहुत मतलब अलग होने तक का बात हो गया था, बट दोनों ओर से हम लोग सोचें और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिए दोनों जन। फिर अभी हम लोग साथ में हैं हमेशा की तरह, हमेशा की तरह हर बार हम लोग का झगड़ा होता है, अलग होना, लेकिन हम लोग कभी होते नहीं। सो हम लोग प्यार को मतलब जिंदा रखें, टिका के रखें, प्यार को बदनाम नहीं किए हैं हमारा, नहीं तो अभी हम लोग कुछ गलत करेंगे, अलग होंगे हम, रोशनी अलग कुछ करेगी और किसी का पास की तरह दूसरा शादी वगैरह ये सब चीज़ करेंगे तो बदनामी है। इतना कोई फॉलोअर्स हमारा वीडियोस देखते हैं, वे लोग गलत सोचेंगे हमारे बारे में, क्या ये लोग, यही प्यार था दो दिन का, तीन साल में बस अलग हो गया, एक बच्चा हो गया, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जिंदगी भर साथ में रहने वाले हैं और प्यार को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। सो जो भी प्यार करते हो, कोई भी प्यार को बदनाम मत करो, क्योंकि बहुत से लोगों के कारण मज़ा लेता था हम, मेरा रोशनी का लड़ाई होगा तो। सो आप लोग को आसपास मतलब जितने भी मतलब कपल्स हैं, वो लोग को मैं यही बोलूँगा, प्यार को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि प्यार को बदनाम करोगे तो सबका मतलब और से ये होता है। और हम लोगों का थोड़ा सा माइंड में ऐसे फेसबुक में वीडियो वगैरह आता है, उसका वजह से भी बहुत कुछ माइंड में चल रहा था। सो अभी तो आप लोग देखते हो ना फेसबुक में बहुत कुछ, फेसबुक यूट्यूब में इसके साथ इस तरह हो गया, और अभी पाकिस्तान का भी एक मैटर सुनने में आ रहा है ना, जो चार बच्चों की माँ हिंदुस्तान आ गई है पाकिस्तान से। सो ये सब न्यूज़ देख के और मतलब हम लोग का माइंड में अलग अलग चीज़ आने लगता था। सो जो जिसका सच्चा प्यार रहता है उसको शक होता ही है, तो रोशनी को भी मेरा बहुत, मेरे ऊपर बहुत शक हुआ, मेरे को भी उसके ऊपर शक हुआ, बट हद से ज़्यादा हुआ, बट हम लोग अपने एक दूसरे को समझाएं, फिर वही लाइफ। सो चलिए दोस्तों, सो फाइनली दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो रोशनी भी नहा धो के रेडी हो गई है और हम लोग सभी को अभी रेडी होके ब्लॉगिंग पे आ चुके हैं फाइनली आप लोगों के बीच में बात करने के लिए। तो आप लोग को गाइस बता रहे हैं, हम लोग का ब्लॉग्स जो है वो 10 दिन के बाद आया है। हाँ। और क्यों नहीं आ रहा था? सो रोशनी बताएगी। क्या बताएंगे, मतलब हम लोग का झगड़ा हुआ था बहुत भयंकर वाला, उसके बाद हम लोग का बातचीत नहीं हुआ वो कुछ दिन, फिर आरएस बोल रहा था वीडियो नहीं बनाएंगे, तो फिर हम भी छोड़ दिए थे। फिर बेटा बॉल टॉप कर दो, बेटा बॉल टॉप कर दो, इफेक्ट आ रहा है। कौन डो जा बॉल टॉप कर, क्या होता बॉल टॉप कर दो जाओ। फिर हम लोग कल डिसाइड किए कि ब्लॉग बनाएंगे और ऋत्विक के लिए बनाएंगे, हम लोग के लिए नहीं, ऋत्विक के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं और घर में न्यू मेहमान आने वाला है, अब अच्छा ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा और व्यूज भी अब अच्छा खासा आएगा। और आप लोग व्यू सोचते हो, हम लोग पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, हम लोग को जितना व्यूज जाता है उतना अच्छा लगता है, क्योंकि इतना आदमी हम लोग का वीडियोस देखा, वायरल होने का हम लोग को शौक है ना कि पैसा कमाने का। वायरल होंगे तो पैसा का क्या काम है, सब जहाँ जाएंगे वहाँ पे खाने भी मिल जाएगा, सामान भी मिल जाएगा, तो हम लोग को बस वही चाहिए, एक हैप्पी वाला लाइफ। हम लोग का लगभग सब पूरा हो गया है, अब एक ड्रीम है सोफा का और एक चीज क्या, डाइनिंग का, और सोफा डाइनिंग कार और एक कार, कार सबसे ज्यादा जरूरी है, पता नहीं कब आएगा कार, सब यूट्यूबर्स तो कार ले ही लिया है। हाँ। हम लोग को छोड़ के क्या, हम लोग का यूट्यूब में इतना सब्सक्राइबर है बट हम लोग का इनकम नहीं है, इनकम नहीं है क्योंकि ब्लॉग वीडियो में एक्स्ट्रा एड नहीं लगाते हैं सबसे पहला बात, और बहुत कोई प्रमोशन वगैरह करता है हम लोग नहीं करते हैं। सो इसी वजह से हम लोग का पैसा इनकम कम है, तो इनकम कम है तो हम लोग मैनेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग का बिजनेस भी है तो पापा जी का ओर से मैनेज हो जाता है। वो बोल रहे थे दोस्तों आप लोग को, इसी तरह पापा जी का ओर से मैनेज हो जाता है, और हम लोग गाइस आप लोग तो देखे ही हो कितना ज़्यादा रोए हैं यूट्यूब में, तब जाके
इतना कुछ हम लोग का हो पाया, घर हुआ, इतना अलमारी बनाए, आप लोग देख सकते हो इतना महंगा अलमारी बनाए। अलमारी का कॉस्ट तो आप लोग को बताए थे, अलमारी का कॉस्ट हम लोग का कितना आया था? 50,000 प्लस, और किचन का तो और ज़्यादा आया था क्या? 80,000 किचन का, 80,000। तो ये सब में हम लोग का पैसा गया। टीवी भी लिया, अभी टीवी का पैसा 5,000 रुपया बाकी है, जो कि आज को उठा के बैंक से दे देंगे, देना पड़ेगा। हाँ। और मतलब अभी हम लोग YouTube से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कर लिए सो कर लिए, मतलब अभी इनकम ही नहीं है, इनकम ही नहीं आ रहा। बता देंगे तो बिलीव भी नहीं होगा हम लोग का। हम लोग का इनकम अभी बहुत, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करें, बताइए, इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाएंगे। और एक बहुत ही जल्द, मतलब कल ही को ना, ससुराल ब्लॉग्स आने वाला है, देंगे आप लोग के बीच में कल ससुराल ब्लॉग सासू माँ के साथ। सो आप लोग देखिएगा। तो आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और अब न्यू मेहमान आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक आता है, 4-5 दिन। सो आएगा तो आप लोग को न्यूज तो मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ब्लॉग्स पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो नए मेंबर्स हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए हो, और जो नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब भी कर लिए उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। और ये खुरपात बच्चा को भी देख लीजिए, बॉल ऑन कर रहा और ऑफ कर रहा, सब कुछ सीख गया है। खुद से खोला और खुद ये लगा भी दिया, अभी ऐसे खोल लिया था और सीख गया है ना, सब कुछ देख देख के हम लोग के बीच में। तो चलिए आज के लिए टाटा, नो टाटा खुद दो फ्रैंकिस दिन ना फ्रैंकिस। वाह, ऋतिक और मैं रेड रेड पहना हूँ, देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए टाटा।